हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद रसूल और आप देख रहे हैं JR टेक फॉर यू। एक बार फिर मैं आपके लिए एयर स्क्रू ड्राइवर का रिपेयरिंग लेके आया हूं। दूसरा प्रॉब्लम आता है ये, यहां से इसका स्पीड रेगुलेटर निकल गया है और यहां से स्प्रिंग और एक बॉल आती है लोहे की, वो भी निकल गई है। तो बॉल और स्प्रिंग तो मिलेगा नहीं। ये देखिए, नीचे जो होल दिए हुए हैं तीन, इसमें बॉल लगती है। बिना बॉल के लगाएंगे तो ये अपने आप स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर ये अटका के रखती है। तो चलिए इसका स्प्रिंग और बॉल का करते हैं जुगाड़, कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्प्रिंग और बॉल होता है इस जगह पे, ताकि इसको एक नंबर दो नंबर ऐसे क्लिक क्लिक करके। तो ये बॉल मैंने ये बैरिंग में से, ये से छोटा बैरिंग है, इसमें से मैंने ऐसी बॉल निकाल ली है। तो एक बॉल हमारे काम आएगी, ये मैंने ले ली है। अब हमें चाहिए इसका स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की वायर है ये मेरे पास पतली सी, इसमें से मैं इसका स्प्रिंग बनाता हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने, तो ये मैंने 1.5 mm का ड्रिल बिट ले लिया है, इसमें ये वायर को ड्रिल मशीन में फंसा कर और इसको मैं घुमाऊंगा स्प्रिंग बनाने के लिए। हाथ से ही घुमाऊंगा क्योंकि ये मेरी ड्रिल में स्पीड कंट्रोल नहीं है, सीधी डायरेक्ट तेज़ चलती है। तो मैं इसको देखिए कैसे हाथ से घुमा के मुझे बनाता हूँ स्प्रिंग। ये इस तरीके से धीरे धीरे कपड़े में फिसल रहा है। चलो इन प्लायर से इसको पकड़ के ऐसे धीरे धीरे घुमाएंगे, जितना हमको चाहिए उतनी लेंथ में हम इसको बना लेंगे। ये होल जो जिसमें लगाएंगे वो होल का साइज नाप कर उस हिसाब से बनाया है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ड्रिल मशीन चला के बनाऊंगा तो बहुत फास्ट होगा। स्प्रिंग का वायर है, चोट भी लग सकती है, तो सावधानी फर्स्ट। तो ये स्प्रिंग मेरा लगभग बन चुका है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो निकाल कर ये इस तरीके से स्प्रिंग बना लेनी है, ये इतना ही बस काफ़ी है हमारे लिए। अब मैं इसको ये देखिए दोस्तों, और मैं जब तक इसको निकाल रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी से मुझे 1K पर पहुँचाएँ और वीडियो को एंड तक देखें। ये देखिए इसके जो सिरे हैं हमने दोनों साइड से काट दिए। अभी हमारा ये स्प्रिंग का जो सिरा बचा है उसको थोड़ा सा प्लास से दबा के सीधा कर देंगे इस तरीके से, और ये हमारा स्प्रिंग बन के रेडी हो चुका है बिल्कुल। बस ये सिरा सीधा कर देंगे, जो बाहर की साइड था उसको अंदर की साइड कर देंगे, इस तरीके से मोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अपना छोटा सा स्प्रिंग बन के तैयार हो गया। अब चलो अब आगे का इस प्रोसेस करते हैं, इसको कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से पहले इसको खोल देंगे पूरा, यहाँ से इसको खोल के निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों किस तरीके से कर रहे हैं, नहीं तो मिस हो जाएगा तो फिर नहीं कर सकते हो आप। अब देखो इसमें एक पिन लगी हुई है, दिख रही हो शायद आपको, वो पिन निकालनी है। वो पिन लूज ही होती है, ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी बाहर आएगी। तो फिर नीचे से ऐसे पकड़ के ऊपर को करेंगे तो इधर थोड़ी सी बाहर आ जाएगी, और प्लायर की मदद से इसको पकड़ के खींच लेंगे। ये देखिए ये इतनी सी पिन होती है, ये पिन से स्पीड रेगुलेटर रुका हुआ होता है।
तो अब इसमें देखो स्प्रिंग डालते हैं पहले। ये ज़रूरी है स्प्रिंग डालना, ये नहीं डालेंगे तो इसकी स्पीड मेंटेन नहीं होगी, अपने आप आगे पीछे हो जाएगी। तो हमने ये स्प्रिंग इसमें डाल दिया, देखो छोटा सा है। अब इसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर एक बॉल जो हमने ली थी छोटी सी, उसको इस पर रखेंगे स्प्रिंग के ऊपर। आराम से, गिर गई तो मिलेगी नहीं। अब ये ऊपर से इसको रेगुलेटर स्पीड का लगा देते हैं आराम से, और इसको दबा के रखते हैं पीछे। थोड़ा स्प्रिंग की टेंशन होगी इसलिए दबा के नहीं रखेंगे तो बॉल भी गिर जाएगी। अब इसमें जहाँ से पिन निकाली थी वापस उसमें ये पिन डाल देते हैं सावधानी से। ये पिन इजी चली जाएगी अंदर, लूज ही होती है, टाइट नहीं होती है। बस सही तरीके से लगाएंगे तो सही से चली जाएगी आराम से। छोटी सी है, गिर जाती है बार बार। इसको एक बार ठीक से पकड़ के सीधा और ऐसे डाल देते हैं, और फिर इससे ऊपर से थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे। तो ये देखिए, ये लग चुका है। अगर ऐसा लगता है कि बाहर है पिन तो थोड़ी सी ऐसे ठोक देंगे। ये देखिए, ये लग चुका है, ये क्लिक क्लिक हो रहा है हर नंबर पे। अब चलो देखिए, वो बॉल उसमें पड़ी हुई है। अब इसकी टेस्टिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ, बने रहें वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। भाई को सपोर्ट करें। भाई ये स्टूडियो में बनाई हुई वीडियो नहीं होती है मेरी, ये डायरेक्ट जब काम हो रहा होता तभी बना के मैं डाल देता हूँ। कोई प्रिपरेशन नहीं होती है मेरी, स्क्रिप्ट नहीं होती है वीडियो। ये मैंने लगा दिया। अब इसमें हम एक कनेक्टर लगा के एयर का कनेक्शन दे देते हैं। ये कनेक्टर ले लिया है मैंने, मेटल का है। इसको लगा के टाइट कर देंगे ठीक से ताकि एयर ना निकले। ये एयर का कनेक्शन मैंने इसमें लगा दिया। देखना दोस्तों कैसी चलेगी ये, एकदम फर्स्ट क्लास, पहले जैसी हो जाएगी। इस गन में यही एक बात है, इसके पार्ट्स मिलते नहीं है, सब बनाने पड़ते हैं। ये देखिए चल रही है, अब स्पीड इसकी कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ। ये एक नंबर की, देखो इसमें कितनी स्पीड आई, और इधर तीन नंबर पे करूँगा तो स्लो हो जाएगी। ये देखिए, इसको जो रिपेयरिंग करते हैं तो इसमें सामान मार्केट में नहीं मिलता है, बस अपने खुद से बना के जुगाड़ करना पड़ता है। ये हमारा ओके हो चुका है एकदम। चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में।